हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। पाठ्य पुस्तक के 3 प्रश्न हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप उनको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4था प्रश्न। देखिए इसमें पूछा गया है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। जो वाहन होते हैं, मान लीजिए आपका कोई वाहन है, बाइक है, ठीक है, तो इसमें जो दर्पण होता है हैंडल पर, ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, अवतल दर्पण क्यों नहीं करते? जो पीछे का दृश्य होता है, यहाँ पर पीछे जो वाहन आ रहे होते हैं, उनको देखने के लिए प्रयोग करते हैं हम उत्तल दर्पण का, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण की क्या खासियत होती है, इसकी खासियत होती है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? सीधा। जो पीछे की जो गाड़ी और जो बाइक वगैरह आ रही हैं, वो सीधी दिखनी चाहिए दर्पण में, ना कि उल्टी दिखनी चाहिए, ठीक है। और छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? छोटा, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो वो बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण पर, उल्टा दिखाता है। कैसा? उल्टा। जो वाहन वगैरह पीछे से आ रहे हैं, उल्टा तो हमको देखने नहीं है, वो सीधे देखने हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण खासियत होती है सीधा प्रतिबिंब दिखाता है और छोटा दिखाता है। और इसमें क्या होता है, ये बाहर वक्रित होता है, ये बाहर की ओर वक्रित होता है। देखिए ऐसे, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है ये अधिक होता है। देखिए दृश्य क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर अवतल की बात करें, अवतल ऐसा होता है, ठीक है, अवतल का दृश्य क्षेत्र कम होता है, ये अंदर की तरफ वक्रित होता है, इसलिए इसका दृश्य क्षेत्र कम होता है, दृश्य क्षेत्र अधिक होता है किसका? उत्तल दर्पण का। और ये सीधा दिखाता है और छोटा, बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है बहुत अधिक होता है, जिससे जो ड्राइवर होता है ये अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकने में समर्थ होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ना कि अवतल दर्पण का।